हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज किस वाले वीडियो पर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग इंडियन बाइक स्टैंड 3D गेम में रेन मोड को ले सकते हो। गाइस, आप लोग यहां पे देख सकते हो, मैंने इंडियन बाइक स्टैंड 3D गेम में रेन मोड को ले लिया। तो आप लोग कैसे अपने गेम में रेन मोड को ले सकते हो, आज की इस वाले वीडियो पर मैं आप सभी को बताने वाला हूं। और गाइस, रेन मोड का क्या चीट कोड, ये भी मैं आप लोग को इस वाले वीडियो पर बताने वाला हूं। और गाइस, उसके साथ साथ मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे इंडियन बाइक स्टैंड 3D गेम में ट्रैक्टर को भी ले सकते हो, और हमारे गेम में ट्रैक्टर का क्या चीट कोड होने वाला, ये भी मैं आप लोग को इस वाले वीडियो पर बताने वाला हूं। और गाइस, आप लोग मुझे काफी ज्यादा कमेंट करके पूछ रहे थे कि हमारे इंडियन बाइक स्टैंड 3D गेम में जो न्यू वाला हाउस ऐड हुआ है तो क्या हमारे गेम से ओल्ड वाला हाउस रिमूव हो जाएगा। तो मैं आप सभी को इस वाले वीडियो पर बहुत ही आसानी से बता दूंगा कि आप सभी को इस वाले अपडेट में हमारे गेम में ओल्ड वाला हाउस देखने को मिलेगा या फिर नहीं। और गाइस, हमारे इंडियन बाइक स्टैंड 3D गेम का अपडेट आप सभी को कब तक देखने को मिलेगा, आज की इस वाले वीडियो पर मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो गाइस, आज का ये वाला वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वाले वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। और गाइस, आप सभी के लिए लास्ट में एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है। तो गाइस, क्या गुड न्यूज है, आप लोग वीडियो के लास्ट में सुन के ही जाना। और गाइस, ये गुड न्यूज काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस वाले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हां गाइस, अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो गाइस, आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो गाइस आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, मैं सबसे पहले आप सभी को दिखा देता हूं कि हमारे इंडियन बाइक स्टैंड 3D गेम में आप सभी को न्यू वाला हाउस कहां पे देखने को मिलने वाला है, और हमारे गेम से ओल्ड वाला हाउस रिमूव होगा कि नहीं, ये भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। तो अभी गाइस, मैं आप सभी को जल्दी से न्यू हाउस का लोकेशन दिखा देता हूं। तो गाइस, आप सभी को किसी भी कार एंड बाइक को स्पॉन कर देना है। यहां पे गाइस, मैंने फरारी कार को स्पॉन कर दिया। और गाइस, आप सभी को कार को लेकर सीधा जाना एयरपोर्ट के पास। और गाइस, आप सभी को एयरपोर्ट के सामने न्यू वाला हाउस देखने को मिल जाएगा। तो चलो गाइस, अभी मैं आप सभी को आगे दिखा देता हूं कि आप सभी को न्यू वाला हाउस कहां पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अभी के टाइम में जो आप सभी को एयरपोर्ट के सामने एक बिल्डिंग वाला हाउस देखने को मिलता है, वहीं पे गाइस न्यू वाला हाउस ऐड हो चुका है। और अभी के टाइम में जो गाइस आप सभी को यहां पे एक हाउस देखने को मिलता है, उस हाउस को गैस हमारे गेम से रिमूव कर दिया गया। और गैस उसके जगह पे आप सभी को न्यू वाला हाउस देखने को मिल जाएगा। और बात करके हमारे गेम में जो ओल्ड वाला हाउस है वो भी क्या हमारे गेम से रिमूव हो जाएगा, तो गैस हमारे गेम से ये वाला हाउस अभी रिमूव नहीं होगा। तो गैस हमारे गेम में ओल्ड वाला हाउस और न्यू वाला हाउस दोनों ही रहने वाला है। लेकिन गैस हमारे गेम में जो एयरपोर्ट के सामने एक बिल्डिंग वाला हाउस था उसको रिमूव करके हमारे गेम में न्यू वाला हाउस को ऐड किया गया है। तो गैस, आप सभी को ये वाला अपडेट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। अभी जो गैस आप लोग ये वाला हाउस को देख रहे अपडेट के बाद, गैस ये वाला हाउस हमारे गेम से रिमूव हो जाएगा और गैस उसके जगह पे आप सभी को न्यू हाउस मिलने वाला है। तो गैस, मैंने पहले भी आप सभी को न्यू हाउस का फोटो दिखाया था और अभी भी गैस मैं आप सभी को न्यू हाउस का फोटो दिखा दे रहा हूं। तो गैस, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे गेम से ये वाला हाउस रिमूव क्यों हुआ। तो गैस, अगर इस वाला हाउस को रिमूव नहीं करता तो गैस हमारे गेम में टोटल 3 न्यू हाउस हो जाता, और उसके कारण गैस हमारे जो गेम का साइज है वो गैस बढ़ जाएगा। इसके कारण गैस, जिसका भी मोबाइल थोड़ा सा कम रैम का है उसका मोबाइल गैस ये वाला गेम खेलते टाइम काफी लैग करेगा, इसीलिए गैस हमारे गेम से एक हाउस को रिमूव कर दिया। और गैस आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि गैस हमारे गेम में और एक न्यू हाउस को ऐड तो कर ही दिया गया। और गैस आप लोग बहुत सारे भाई लोग ये भी बोल रहे थे कि हमारे गेम में जो ओल्ड वाला हाउस है वो भी रहना चाहिए, इसलिए गाइस हमारे गेम की इस वाला अपडेट में आप सभी को न्यू हाउस और ओल्ड हाउस भी देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी को ये वाला अपडेट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। तो अभी गाइस, मैं आप सभी को बता देता हूं कि कैसे आप लोग इंडियन बाइक स्टैंड 3D गेम में ट्रैक्टर को ले सकते हो। अभी तो गाइस आप लोग इंडियन बाइक स्टैंड 3D गेम में ट्रैक्टर को नहीं ले सकते हो, लेकिन जब गाइस हमने पूछा रोहित सर से कि हमारे इस वाला अपडेट में क्या ट्रैक्टर आने वाला है, तब गाइस रोहित सर ने ये बोला कि ट्रैक्टर का अगर अच्छा मॉडल मिल जाता है तो इस वाला अपडेट में ट्रैक्टर भी ऐड हो जाएगा। तो अभी गाइस 90% चांस है कि आप सभी को इस वाला अपडेट में ट्रैक्टर भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अगर हमारे गेम में ट्रैक्टर ऐड होता तो मैं आप लोग को वीडियो बना के जरूर बताऊंगा। तो अभी गाइस, मैंने आप सभी को ट्रैक्टर के अपडेट के बारे में बता दिया। तो अभी गाइस, मैं आप सभी को बता देता हूं कि आप सभी को क्या इस वाला अपडेट में रेन मोड देखने को मिलेगा। तो गाइस, आप लोग रेन मोड के लिए काफी ज्यादा डिमांड कर रहे थे, इसलिए गाइस हमारे गेम इस वाला अपडेट में आप सभी को रेन मोड देखने को मिल जाएगा। और ये गाइस 100% कंफर्म हो चुका है। और अभी गाइस हमारे गेम में रेन मोड ऐड नहीं हुआ है। जब गाइस इंडियन बाइक स्टैंड 3D गेम में रेन मोड ऐड हो जाएगा तो मैं आप सभी को वीडियो बना के जरूर बताऊंगा। और बात करें गाइस रेन मोड का चीट कोड, तो गाइस हमारे गेम में रेन मोड का चीट कोड भी होने वाला है। तो जब गाइस हमारे गेम में रेन मोड ऐड हो जाएगा उसके बाद गाइस आप सभी को रेन मोड का चीट कोड भी दे दिया जाएगा, इसीलिए गाइस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस मैं आप सभी के लिए जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अभी गाइस मैंने आप सभी को रेन मोड के अपडेट के बारे में सब कुछ बता दिया। तो गाइस मैंने आप सभी को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आप सभी को इस वाले वीडियो पर एक गुड न्यूज भी बताने वाला हूं। तो चलो गाइस, अभी मैं आप सभी को बोल देता हूं कि गुड न्यूज क्या है। तो अभी तो गाइस आप सभी को पता होगा कि हमारे गेम में जट ऐड हो चुका है, लेकिन गाइस सिर्फ जट ऊपर उड़ता, आप लोग गाइस जट को ड्राइव नहीं कर पाते हो। लेकिन जब गाइस इंडियन बाइक स्टैंड 3D गेम का न्यू अपडेट आ जाएगा उसके बाद से गाइस आप लोग जट को ड्राइव भी कर पाओगे। और गाइस जट को ड्राइव करने वाला ऑप्शन आप सभी को एडजस्ट टूल पर दिया जाएगा। तो गाइस आप सभी को ये वाला न्यू फीचर कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। तो अभी गाइस मैं आप सभी को बता देता हूं कि आप सभी को इंडियन बाइक स्टैंड 3D गेम का अपडेट कब तक देखने को मिल जाएगा। तो अभी तो गाइस कोई भी डेट कंफर्म नहीं हो कि आप सभी को अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, लेकिन अगस्त दिसंबर महीना में आप सभी को कभी भी अपडेट देखने को मिल सकता है। गाइस आप सभी को 15 दिसंबर को भी अपडेट मिल सकता है, या फिर गाइस आप सभी को न्यू ईयर को भी अपडेट मिल सकता है। तो जब भी गाइस हमारे गेम का अपडेट आ जाएगा तो मैं आप सभी को बता
बता दूंगा। तो चलो गाइस आज की इस वाले वीडियो में इतना ही था। आई होप कि गाइस आप सभी को यह वाला वीडियो काफी अच्छा लगा। अगर गाइस आप सभी को यह वाला वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज इस वाले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं आप सभी से एक और नए वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।